दोस्तों, आज हुई हमारी किटी इनफॉर्मल बाय इनपरफेक्टो दिल्ली में। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए तो आपको एंड तक हमारे साथ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके रहे थे मिक्स रिएक्शंस बाय आवर मेंबर्स। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, होप सो आप इंजॉय करेंगे ये व्लॉग को। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये एक फाइन डाइन प्लेस है, एट डे टाइम एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है हाई एनर्जी बार एट नाइट टाइम। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा लग रहा, हमने तो किया था बुक इसे किटी के लिए। खाना अच्छा था, लिमिटेड था, लेकिन हमें पसंद आया, बहुत ही टेस्टी था। वेजिटेरियन में थोड़े से ऑप्शंस हमें कम लगे, नॉन वेजिटेरियन काफी खाना था जो हमने इंजॉय किया। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत ही लाउड म्यूजिक था। इफ यू लव म्यूजिक तो परफेक्ट प्लेस था फॉर एंजॉयिंग। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हम गए थे किट्टी के लिए, तो किट्टी में तंबोला थोड़ा सा हमने मिस किया, लेकिन एम्बियंस बहुत ही बढ़िया था। हमें इसका इंटीरियर, इसका स्टाफ बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही कोऑपरेटिव था, अच्छा था। डेकोरेशन हमें बहुत पसंद आया, तो हम इंजॉय कर रहे थे। यहाँ काफी सारे फॉरेनर्स भी विजिट कर रहे थे, तो हमें अच्छा लगा ये वाला जगह। जब तक के एक पार्टी स्टार्ट हो गई जो कि काफी यंगस्टर्स की थी, दे वर इंजॉयिंग अ लॉट। हम लोगों ने भी काफी इंजॉय किया। पहले तो हमने खाना इंजॉय किया, काफी बढ़िया स्टार्टर्स लगे, लिमिटेड थे लेकिन स्वाद थे। साथ में ही सूप आया, अच्छा था। पिज्जा भी इंजॉय किया और हमने खाया खाना, बहुत ही अच्छा माहौल था। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही फन वाला एंजॉयमेंट था यहाँ पे, क्योंकि गाने लगे हुए थे, बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इट्स लाइक कोई ऑफिस की पार्टी चल रही थी इस टाइम पे। सो हमने एंजॉय इसलिए किया। मिक्स रिएक्शन कैसे रहा कि खाना अच्छा था, एम्बियंस अच्छा था, अच्छी एनर्जी थी, लेकिन हमने तंबोला मिस किया, तो इसलिए मिक्स रिएक्शन थे। तो यहाँ पे आना सबको इतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि तंबोला हम नहीं खेल पाए, हम बात कर रहे थे जो एक दूसरे को इतने अच्छे से सुन भी नहीं हम पा रहे थे। तो पॉइंट क्या है, अगर आप अच्छा लाउड म्यूजिक एंजॉय करते हैं, एम्बियंस बहुत ही ए क्लास, बहुत ही मजा आया। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि किट्टी में आप कुछ अपना बातें करना चाहते हैं, तंबोला एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस मे नॉट बी द करेक्ट प्लेस टू विजिट। तो बताना चाहूंगी कि 699 इसका पर हेड प्राइस था, जिसमें इन्होंने 3 वेज 3 नॉन वेज स्नैक्स दिए थे, उसके बाद पिज्जा एंड सूप था जो वेजिटेरियन था, उसके बाद बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और सब्जी थी, बाद में ही वेनिला आइसक्रीम और साथ में ब्राउनी थी। अच्छा लगा आके, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर नया एम्बियंस चाहते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं पीसफुल प्लेस। दोस्तों, पसंद किया आज का वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।